नरसिंहपुर जिले में बीते 24 घंटे से अच्छी बारिश हो रही है। इस बारिश के साथ किसान और जिले की आम जनता को काफी राहत महसूस हुई है। लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो जानकर आपको ताज्जुब होगा, या यूं कहे आप हैरानी से अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, दरअसल पूरा मामला नरसिंहपुर जिले के मौसम विज्ञान विभाग से जुड़ा है, जो जिले में हुई वर्षा, तापमान और हवा की गति का डाटा जिले सहित प्रदेश स्तर तक भेजते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शाखा के प्रभारी राजस्व निरीक्षक संतराम यादव को ये भी जानकारी नहीं है कि ये सैंपल कैसे कलेक्ट होते हैं, कहां से कलेक्ट होते हैं, और इनको कलेक्ट करने वाली मशीनरी जिले में तो छोड़िए नरसिंहपुर तहसील में कहां इंस्टॉल है, ये भी नहीं पता। और यदि हम इंस्टॉल किए गए उपकरणों की बात करें, तो उन्हें रखने के लिए जो रखरखाव और प्रबंधन आवश्यक होता है, उसका जरा सा भी पालन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें, नरसिंहपुर तहसील में ये डिवाइस जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कोषालय दोनों कार्यालयों के बीच खाली पड़ी जमीन में इंस्टॉल है, जहाँ भारी झाड़ियाँ उगाई है और तो और पेड़ की टहनियाँ भी डिवाइसों के ऊपर छाई हुई है। जबकि नियमानुसार यह डिवाइस किसी छत पर इंस्टॉल होना चाहिए, या ऐसे खुले मैदान में जहाँ कोई पेड़ ना हो, ना ही किसी का आवागमन हो, परिसर पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। यंत्र होता है जिसमें जो वर्षा होती है उसका, ये प्रत्येक तहसील में उससे जो वर्षा की हम लोग फोन करके सबसे सब केंद्रों से वर्षा एकत्र करते हैं, और वह जो वर्षा होती है दैनिक वर्षा उसको हम अपने इसमें अपलोड करवा देते हैं, तो वो पूरे जिले में जाती है वर्षा। अच्छा, खुले में लगते हैं, मतलब पूरे ऊपर रखते हैं, छत पर लगा रखते हैं, जो वर्षा होती है उसी से उसको जितनी वर्षा होती है उसमें माप रहता है उसका अंकित। अगर उससे अगर कोई खुले ग्राउंड में है तो क्या उसके आसपास कोई बाउंड्री वगैरह चाहिए, ताकि लोगों का आना जाना वहाँ कम हो, आवाजाही ना हो? हाँ, ये तो रहता है, खुले में रहता है तो वहाँ वो बहुत नाजुक होते हैं, टूट भी जाते हैं, इसलिए उसको प्रायः सब छत पर ही लगे हुए। ऊपर बताता हूँ चेक करके कहाँ लगा हुआ है, नहीं तो अगर क्या दिक्कत है उसमें। अगर ऐसी परिस्थितियों में है तो ये तो आंकलन कहीं ना कहीं गड़बड़ होता होगा ना? मैं उसके देख करके बताता हूँ कि आंकलन भी इसका गड़बड़ होता है। वैसे यहाँ वर्षा मापी यंत्र जो हम लोग वर्षा एकत्रित करते हैं, वो तहसीलों से उसको माने जानकारी लेकर के एक जाई करते हैं। अच्छा, तो ये केवल दिखावटी है? नहीं कह सकता कि दिखावटी। तो नरसिंहपुर का भी तो कोई यंत्र होगा जिसमें अपन नापते होंगे? तो वो तहसील में है ना ऐसा। तहसील तो नरसिंहपुर तहसील का कहाँ पर है? तहसील में लगा है नरसिंहपुर तहसील? नहीं, पर जानकारी मिली ये वाला, ये है इंस्ट्रूमेंट जिससे चेक करते हैं। आप प्रभार, आपको ये नहीं मालूम है किस जगह पे लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट? नहीं, अभी तो तहसीलों में लगे हुए थे, तहसीलों से मेरे पास जानकारी है। यहाँ का जो आप नरसिंहपुर तहसील का जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर इंस्टॉल है सामने आपके कार्यालय के। नहीं मालूम कि ये सब व्यवस्था कहाँ की गई है, और ऐसी स्थिति में है कि जिसका जो उनको खुद आश्चर्य हुआ होगा कि ये कहाँ लगे हैं। तो वास्तव में इसको एक व्यवस्थित करने की भी प्रक्रिया चालू करना चाहिए विभाग। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नरसिंहपुर से सतीश दुबे की रिपोर्ट।